पेड़ लगाए जहाँ श्री कृष्ण के पांव पे एक तीरबाज ने तीर मार दिया था। जा रहे हैं सोमनाथ और आज का वीडियो इसी पे होने वाला है। सोमनाथ फिर बीच में कुछ बीच आते हैं, आई थिंक माधव बीच या ऐसा ही कुछ नाम था, यहाँ पे लिख दूंगा इफ आई एम रॉन्ग। और जाने वाले द्वारका, तो यही होगा आज का पूरा व्लॉग, सोमनाथ बीच द्वारका। और शायद बीच में नहाएंगे तो आपको अच्छे अच्छे अंडर वाटर शर्ट्स और बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और शायद ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। सामान पूरा यहाँ पे रखा है क्योंकि पीछे गैस का सिलेंडर है, तो उसकी वजह से डिक्की में उतनी जगह रहती, नहीं तो सब ऊपर ऊपर से ठुसा हुआ है। एक दो बैग आगे रखे और पानी का भी आगे इसके सीट में रखा है। कुछ 20-30 किलोमीटर था हम जहाँ पे रुके थे, और आई थिंक मेरा आवाज नहीं आ रहा होगा क्योंकि बहुत शोर है, बहुत भीड़ है और माइक में भूल गया। एक्चुअली जान मुझके मिला क्योंकि मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है और लॉकर रूम में रखना है, तो मैंने फिर से कहा ये सब उठा के घूमू, DSLR भी उठा के घूम रहा हूँ। तो हम यहीं पे जा रहे हैं और पीछे बीच भी है, तो बीच पे भी थोड़ा सा घूम के आएंगे। लॉकर रूम में सब रखना पड़ेगा, मोबाइल कैमरा सब कुछ, तो आगे पता नहीं ब्लॉग कैसे ही होगा मेरा। तो हमारे दर्शन तो एकदम मस्त हो गए और अभी यहाँ पे पीछे ओशन है तो वो देखने जा रहे हैं। और अगर आपको मंदिर की झलक देखनी है तो ये रहा, अंदर तक फ़ोन और कैमराज अलाउ नहीं कर रहे, कुछ भी अलाउ नहीं कर रहे, सब बाहर लॉकर में ही रखवा रहे, तो पॉसिबल नहीं है अंदर जाके बताना। पर दूर से तो बता ही सकता हूँ मैं। बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए और कल, यानी कि कल मंडे है और शिवरात्रि है, तो पूरा मंदिर पैक होगा, तो इसलिए हमने एक दिन पहले आगे पहले शिवरात्रि पे जाना था, लेकिन बहुत भीड़ होती है इसलिए हम नहीं गए। और यहाँ से मंदिर का व्यू एकदम क्लियर आ रहा है। इस तरफ सी है तो वहाँ भी जाएंगे, लेकिन पहले लंच करेंगे, अंदर भोजनशाला भी है तो वहीं पे खाएंगे शायद, और अंदर प्रसाद भी मिल जाता है तो वो भी ले लिया अलग अलग प्राइस में। सो यस, देखते हैं, पहले तो मम्मी पापा और बहन को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि सब अलग अलग थे, इसीलिए वो रहे, मिल गए। श्री कृष्ण को इसी पेड़ के पास तीर मारा था पैर में, तो वहीं पे मंदिर बनाए और तीर की वजह से श्री कृष्ण की मृत्यु हुई, तो वहीं पे मंदिर बनाया। सो बलका तीर्थ मंदिर इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे वो पेड़ लगाए जहाँ श्री कृष्ण के पांव पे एक तीरबाज ने तीर मार दिया था, कुछ जानवर या मछली समझ के, ऐसा था जानवर समझ के, और श्री कृष्ण पेड़ के नीचे बैठे थे, आराम कर रहे थे और तीर लग गया।
तो फाइनली बहुत ढूंढने के बाद ये मिल गया और यहाँ पे कुछ खाएंगे और इधर सारा मार्केट। हाँ, और गूगल मैप देख के म्यूजियम में मत जाना। कहीं हो तुम म्यूजियम? अरे म्यूजियम में नाम सुबह बालका तीर ना, पार्थ मंदिर में ना, पार्थ पांडव ना, पार्थ खबर मतलब सोमनाथ मंदिर के बाजू में एक म्यूजियम है, वहाँ पे गूगल मैप देख के मत जा, खो जाओगे। म्यूजियम तो काफ़ी बढ़िया था। अगर आप लोगों को आप सोमनाथ आ रहे हो तो आप म्यूजियम में आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि म्यूजियम काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और एंशंट स्क्रिप्ट्स भी हैं अंदर, बहुत सारी एंशंट स्क्रिप्ट्स है। और वहाँ का जो सन टेम्पल है और पुराना जो सोमनाथ मंदिर है वो भी वहाँ पे दिया गया। और अभी अब कुछ ड्राइव करने के बाद, मैंने थोड़ी ड्राइव की, पापा ने थोड़ी ड्राइव की और आ चुके हैं हम ये बीच पे। द्वारका नहीं पहुँचे बट ऑन द वे माधवपुर बीच पे हम आ गए और इट्स अ रियल ब्यूटी, बहुत ही मस्त है, एकदम खूबसूरत। ऊंट सवारी करते करते किनारे पे पहुंच गए। जोरदार है। गोवा के बाद बड़े सालों बाद 10-11 साल बाद बीच देखने मिला है और बड़ा ही मजा आ गया। अरे ना ना, तो यही वो था जिस पे हम बैठे थे और बड़ा मजा आ गया। जिन्हें घोड़ा चला है, वाह वाह वाह, तो बात है जिन्हें, वाह बे पागे ऊंचे करो। हाँ नचाड़ा घोड़ा। मैंने अभी घोड़ सवारी भी की, घोड़ी का नाम है काजल और ये 9 साल की है, मुझे लगा छोटी होगी। और ये रहा निशान काजल काजल और आज मैंने
भी अच्छा है बिकॉज इधर कोई वाटर राइड नहीं है, इसलिए पानी बहुत ही क्लीन है, एकदम ही क्लीन है। और ये अच्छा भी है कि इधर कोई वाटर स्पोर्ट्स ना हो, बस बहुत कम ही क्लीन बीच रहे हैं इधर। बाई टू दिस बीच और बड़ा मजा आ गया, ऊंट सवार की घोड़े के साथ फोटो वोटो खिंचाए और अभी अपनी लाल दूर से भी दिखती है, तो चलेंगे द्वारका की ओर, बीच में और अच्छी जगह है। तो भी एक स्टॉप लिया था हर सिद्धि माता मंदिर पे, और छोटा सा ही मंदिर है, ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है जो कि है सी के साइड में ही है, मतलब एकदम एकदम नदी किनारा कह दो, ओशन किनारा कह दो, साइड में ही है। ड्राइव के बाद ये रहा मंदिर, सो मंदिर में मस्त दर्शन हो गए, लेकिन फोन कैमरा अलाउड नहीं था तो कुछ शूट नहीं कर पाए, और बाहर आके ये मस्त दूध पिया जा रहा है। द स्ट्रगल इज रियल है, इसकी खुशी में दूध पी लिया ये लड़की, सवाल करके